नमस्कार। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंतर्गत पिबला के एलिमेंट्स में आज हम ओस्टवाल्ड मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। नाइट्रिक एसिड अर्थात HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने की ओस्टवाल्ड मेथड में हम सबसे पहले उसके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, उसके बाद मेथड का डायग्राम क्या है और उसकी प्रोसीजर क्या है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं ओस्टवाल्ड मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड का प्रिंसिपल क्या है। कमर्शियली नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ओस्टवाल्ड मेथड। इन दिस मेथड नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एस्बेस्टस देन नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म। फर्स्ट रिएक्शन इन फर्स्ट स्टेप नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म। इन सेकंड स्टेप नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। इस प्रकार हम जो है नाइट्रिक एसिड को अमोनिया से बनाते हैं। अब यदि हम इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड की ओस्टवाल्ड मेथड का डायग्राम दिया है। इसमें कैटालिटिक चैम्बर दिया हुआ है जिसमें हम अमोनिया और एयर को जो है पास कर रहे हैं। इस कैटालिटिक चैम्बर में प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट काम करता है और अमोनिया एयर के साथ रिएक्ट होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजते हैं थ्रू कूलर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन चैम्बर में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम एक एब्जॉर्बिंग टावर में भेज रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि इस एब्जॉर्बिंग टावर में ये स्टोन है और ऊपर से वाटर हम गिरा रहे हैं। तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है इस एब्जॉर्बिंग टावर में तो नाइट्रिक एसिड बनाता है। इस प्रकार से जो प्राप्त नाइट्रिक एसिड होता है वो डाइल्यूट होता है अर्थात तनु नाइट्रिक एसिड होता है और इससे फिर हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और जो वेस्ट गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये नाइट्रिक एसिड बनाने की ओस्टवाल्ड मेथड बहुत ही सस्ती सिंपल मेथड है और इसमें अमोनिया से हम जो है नाइट्रिक एसिड को बना सकते हैं।